हम जानेंगे सुजलोन एनर्जी शेयर को लेकर हमारे बाजार के बहुत शुक्रिया सर, बताइए सवाल क्या है आपका। मेरा सर सुजलोन का लिया हुआ है 2.85 पे, 2.85 पे। हाँ देख 13 पर गया, तभी नहीं बेच दो पाया, रुपए मैंने थोड़ा पिचासी बढ़ेगा और पैसे पर। बढ़ेगा। ठीक है, हम इसको करेक्ट हेलो करते हैं, दशमलव का सिंबल लगाना भूल गए, फिर से वो प्लेट हम लेके आएंगे। लेकिन हज़ार शेयर आपके पास हैं और आपके भाव से हम देखें तो करीब करीब 6 रुपये ऊपर है, ऑलमोस्ट 3 गुना आपका भाव तो हो गया है। ऋषि थोड़ा ऊपर गया था बीच में शेयर, ये आपने निकलने की कोशिश नहीं की वहां पे, 12 रुपये के आसपास गया था। 13 पे गया था एक बार, तो फिर भी नहीं बेच पाया, मैंने कहा और आगे जाएगा सर, उसके बाद गिरते चला गया। ठीक है, बाजार का देखिए यही दस्तूर है कि हमें पता नहीं है कि भाव कब टॉप पे है और वहां से किधर जाएगा, और यही खूबसूरती भी है मार्केट की। रवि, सुजलॉन हम देख रहे हैं कि फिर से एक दायरे में फंस गया है। पीछे जब कुछ खबरें आई थी तो ये शेयर हमने देखा था कि 12 रुपये के आसपास तक गया था, लेकिन अब फिर से वही 6 से 9 वाली जो रेंज है उसमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इनके भाव से तो काफ़ी ऊपर है, और इनको अगर हम क्वांटिटी के लिहाज से देखें और शेयर प्राइस को अगर उससे जोड़ के देखें तो प्रॉफिट अच्छा खासा है परसेंटेज टर्म्स में। आप क्या सलाह देंगे, अभी और थोड़ी गुंजाइश है या फिर जो मुनाफा बन रहा है उसको बांध के निकल जाएं और किसी बेहतर स्टॉक में निवेश करें? देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले तो ऋषि जी आपको बहुत बहुत मुबारक, अब आप सही जगह पे सही चैनल देख रहे हैं, इधर उधर ज्यादा मत देखिए, नहीं तो ऐसे ही कचरा स्टॉक आप खरीद लेंगे और आप फंसे रहेंगे। किस्मत आपकी अच्छी है, आप सही जगह पे आपने यहाँ पर स्टॉक खरीद लिया, लेकिन हर समय किस्मत अच्छी नहीं हो सकती। इस स्टॉक के फंडामेंटल बहुत पुअर हैं, लेकिन आपको यही कहूंगा कि इधर उधर चैनल मत देखिए देखिए जिससे आपको सही राय मिल सके, और बेटर मैं यही कहूंगा कि आप अब वापस थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए, 7 रुपए 50 पैसे। मैं आपको बहुत रिस्की दे रहा हूँ, लेकिन 7 रुपए 50 पैसे का आप एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए। वापस से 10, 11, 9, 9:50 के रेट आते हैं, तो धीरे धीरे करके स्टॉक्स निकालना शुरू कर दीजिए। आपके पास 1000 क्वांटिटी है, आप 2-4 स्टॉक्स को आप निकालने की कोशिश करिए, और धीरे धीरे करके पूरा स्टॉक 10 के आसपास आते आते निकाल दीजिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर 7 रुपए के नीचे गया तो अब वापस 3 और 2 रुपए के पास ही आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप सही स्टॉक खरीदे, अच्छा स्टॉक खरीदे, और इस तरीके के स्टॉक से अवॉइड करें, और प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार को बुक करने की जरूर राय हो।